इस तरह से मारने से हमारा ये गोल का लच्छा निकल जाता है। बहुत अच्छा लगेगा, इसको खाने में टेस्टी है। हम नहीं बोल रहे हैं, कस्टमर जितने भी खा रहे हैं वो बोल रहे हैं। हमको कम से कम 20 साल हो गया, 20-22 साल। 20-22 साल से इस लाइन में है ना? हाँ जी। भाई एक दिन में कितने किलो प्याज यूज हो जाते हैं? एक दिन में हमारे पास कम से कम 12-13 किलो प्याज है ना, तो ज्यादा काम होता 15 किलो भी हो जाता है। जब दाम कम होता है प्याज का तो 15 किलो भी हो जाता है ना? दाम कम हो जाए ज्यादा हो रहे, सेम मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं? देखो 60 रुपए किलो था तब भी 15 किलो से, अभी भी 10-15 किलो से, अगर 20 रुपए किलो हो बहुत टेंशन लगा है काम सीखने में। इसे बनाने में कितना टाइम लगता है भाई? बनाने में सुबह से लग जाता है, प्रोसेस बहुत प्रकार इसमें माल गिरता है, जैसा मैदा हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, स्प्राइट गिरता है, मिल्क मेड गिरता है, केला गिरता है, चीनी गिरता है। अभी बनने में बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये रेडी हो गया? बनने में ये रेडी हो गया, ऑर्डर आएगा दिया जाएगा। ठीक है, हमारे लिए 2 लगा दीजिए जी। एक रोल में कितने पीस आते हैं भाई? एक रोल में आपका 3 पीस आएगा, और इस तरह टुकड़ा काट काट के हम लोग एक रोल में 3 पीस डालते हैं। सर 2 पीस का 2 रोल का चिकन ना? हाँ जी हाँ जी। इसमें प्याज डालेगा थोड़ा सा, 1-2 अपना हिसाब है ना।
ये आने के बाद इसको इस तरह से मारने से हमारा ये रोल का लच्छा निकल जाता है। इसके बाद इसको बनाया जाएगा रोल। प्याज दो, दही का, ये स्पेशल मसाला है। स्पेशल मसाला ना, हमारा मसाला रेडी हो गया। इसके बाद रोल का ऊपर इसको डालेंगे, अच्छा रोल, अच्छा चिकन रोल। मसाला रेडी है, मसाला इसके ऊपर डाल दिया। इसके बाद दोनों को हो गया मसाला, चिकन के साथ प्याज डाला हुआ है, इसमें मसाला डाला हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा प्याज डालेंगे ऊपर से, और प्याज तो, और प्याज थोड़ा सा हल्का सा डालना पड़ता है, उसको खाने में थोड़ा मीठा सा आएगा, खट्टा मीठा चीनी सा आएगा ना बढ़िया। उसके बाद सॉस, टमाटर सॉस, हल्का हल्का टमाटर सॉस डालना पड़ेगा। उसके बाद चटनी, ये है पुदीना का चटनी है, पुदीना हरा का चटनी। ये रोल हो गया तैयार। उसके बाद रोल पेपर में हम इसको फोल्ड करके ले लीजिएगा। ये रोल तैयार हो गया सर, ये लच्छा चिकन रोल तैयार हो गया, हैदराबादी लच्छा चिकन रोल। ये रहा रोल हमारा। इसका प्राइस कितना है भाई? इसका प्राइस 70 रुपए है। बहुत अच्छा लगेगा, इसको खाने में टेस्टी है। हम नहीं बोल रहे हैं, कस्टमर जितने भी खा रहे हैं वो बोल रहे हैं, पर आप भी एक बार खा के देखिए। तो आज है हमारे साथ शिवनाई, तो ट्राई करके बोलेंगे भाई सॉस। बढ़िया है, जब भी यहाँ पे खाने के लिए आ रहे हो तो एक ग्रीन चटनी जरूर लेना, स्पाइसी रहता है और मस्त लगता है, टेस्ट भी अच्छा देता है।